Subscribe and press the bell icon for latest update. पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने मोदी सरकार को देश का असली दुश्मन बताया। उन्होंने लगातार ट्वीट करते हुए कहा कि उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो भड़काऊ भाषण देते हैं। उन्होंने ट्वीट पर ही सवाल किया कि अगर वह भड़काऊ भाषण देते हैं तो साध्वी प्राची, साक्षी महाराज, गिरिराज सिंह और संगीत सोम जैसे लोग क्या अमृत बरसाते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर लोगों ने हार्दिक पटेल के खिलाफ इस सवालों की बौछार करते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। लोगों ने यहां तक कहा कि उनके भाषण से हिंसा नहीं फैलती, जबकि हार्दिक जैसे नेताओं के भाषण हिंसा फैलाते हैं, लोगों को मारते हैं। हार्दिक ने एक ट्वीट करते हुए हिंदू नेताओं के भाषणों पर सवाल उठाया है। एक अन्य ट्वीट में हार्दिक ने केंद्र सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि देश का असली दुश्मन दूसरों को गद्दार बोलकर अपना दाग छुपा लेते हैं। आपको बता दें कि जैसे ही हार्दिक पटेल ने साक्षी महाराज और साध्वी प्राची को लेकर बयान दिया है, तब से राजनीति का माहौल गर्मा गया है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।